ये जो आप डिजिटल वेट मशीन देख रहे हैं कांटा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन तो होता है पर जब तक इसका बैटरी चार्ज है तब तक ही ऑन होगा क्योंकि इसका चार्जिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो देखिए ग्रीन लाइट जल रहा है, ये पावर लगाने के बाद यहाँ पर रेड इंडिकेटर जलता है, रेड ये नहीं जल रहा है, ये चार्ज हो भी नहीं रहा है। चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसका ये मेन कोड जो आप देख रहे हैं ये टोपिंग कोड, ये चेक करना है और ये ट्रांसफार्मर चेक करना है, उसके बाद ही हम आगे कुछ चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लीजिए और उसके बाद ये जो आप पिन देख रहे हैं इसको ऐसे निगेट कर लीजिए और सबसे पहले हम लोग ये मेन कोड को चेक कर लेंगे। इसके एक पॉइंट पे एक केबल लगाइए और दूसरे पे एक मिनट। देखिए बजर बज रहा है, इसका मतलब इसका एक पॉइंट ठीक है और इसमें बजर बज रहा है इसका मतलब दोनों पॉइंट ठीक है। अब ये दोनों में चेक कर लेते हैं। देखिए ये दोनों में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, कुछ भी पॉइंट पल्स कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो चलिए हम लोग इसका ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स हमने इसका ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया है, ये देख सकते हैं आप नया ट्रांसफार्मर लगा दिया है। ये ट्रांसफार्मर का नंबर होता है 012 और ये 750 मिली एम्पियर का होता है। कोशिश करिएगा ज़्यादातर इसमें कॉपर का बढ़िया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर ही लगाएं क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर आप एल्युमिनियम वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी कट जाएगा फिर से, तो कोशिश करिएगा इसमें कॉपर का ट्रांसफार्मर ही लगाएं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स ऑन कर लेते हैं चलिए स्विच को, ये देखिए इसमें पावर आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें पावर आ गया है, अब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है ठीक है। देखिए बैटरी का एक केबल खोल दिए हैं, एक मिनट, ये देख सकते हैं आप बैटरी का एक पोर्ट खुला हुआ है फिर भी ये कांटा ऑन हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर अपना काम कर रहा है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।